बस्तर में बीती रात अज्ञात चोरों ने शहर के एक सरकारी शराब दुकान को अपना निशाना बनाया है, जहां उन्होंने दुकान में रखे लाखों रुपए का पर अपने हाथ साफ कर दिए हैं। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मामला बस्तर का है, जहां चोरों ने शहर के एक सरकारी शराब दुकान को अपना निशाना बनाया है और दुकान में रखे लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। वहीं बोधघाट थाना प्रभारी लालजी सिन्हा ने इस पर अधिक जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात अज्ञात चोरों ने नीदम रोड में स्थित सरकारी शराब दुकान को अपना निशाना बनाया था, जहां चोरों ने शराब दुकान का शटर में लगे ताले को तोड़कर अंदर प्रवेश किया। इसके बाद ही चोरों ने दुकान के अंदर रखे लगभग 10.5 लाख रुपए पर अपने हाथ साफ कर दिए। बताया गया कि दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की जानकारी चोरों को पहले से ही थी, इसलिए चोरों ने सीसीटीवी कैमरे का हार्ड डिस्क भी पार कर दिया। जानकारी के मुताबिक चोरी हुए नगद राशि का आंकड़ा बढ़ सकता है। फिलहाल बोधघाट पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि जांच के लिए एक विशेष टीम बनाई गई है, जिसे थाना प्रभारी के साथ फॉरेंसिक टीम और साइबर के साथ डॉग स्क्वाड भी है, जिन्हें लेकर आसपास के इलाकों की छानबीन की जा रही है। वहीं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। सुबह 112 के माध्यम से पता चला कि गीदम रोड में जो शराब भट दुकान है, वहाँ पे ताला तोड़कर चोरी हुई है। चोरी की सूचना मिलते ही पूरी टीम, अपनी फोरेंसिक की टीम, साइबर की टीम और लोकल थाने की सभी थाना प्रभारीगण, यहाँ पे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में काम हो रहा है। चोर की हर एंगल से जांच पुलिस कर रही है, जल्द ही मामले का निराकरण होगा। ठीक तफ्तीशी में पता चला है कि सीसीटीवी का DVR यहाँ से गायब है। सीसीटीवी 3 कैमरा दुकान में लगा हुआ था, तो पुलिस जो है सभी एंगल में जाँच कर रही है और बहुत जल्दी इसका निराकरण होने की संभावना है।